पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 मोदी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। निजीकरण बंद करो, बंद करो, पूरी करो। निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण को बंद करो, बंद करो। मेरा नाम एसपी सिंह। ये सब जरूरी है ना, ये सब जरूरी नहीं है किसी आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए जरूरी है कि आदमी की इच्छा शक्ति जो वहाँ बैठा है। जैसा साथी ने बताया, जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 सरकार संसद के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रही है, उसके खिलाफ आज पूरे देश का बैंक कर्मचारी और अधिकारी दो दिवसीय हड़ताल पर है। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर कल भी हड़ताल रहेगी। और हमारी एक ही मांग है कि भाई ये जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 सरकार जो लेके आ रही है संसद के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रही है, इसको वापस ले। और एक चीज़ बता दें आपको, क्योंकि साथी ने जो कहा हमारे जनता का धन 78% जो बैंकों के अंदर डिपॉजिट है, 5,57,000 करोड़ रुपया, वो आम जनता का है, किसी धन्ना सेठ का नहीं है। ये तो धन्ना सेठों को लोन दे रहे हैं और लोन साथी डुबा रहे हैं और उनको माफ़ कर रहे हैं, आम जनता को धोखा दे रहे हैं। बैंक डूब जाएंगे तो जनता का धन डूबेगा, इन्होंने बैंकों को डुबाने की साजिश रखी है। बैंक गवर्नमेंट के अंडर हैं तो बचे हुए हैं, पूरे देश की, किसान की, जाम जन की सेवा कर रहे हैं। बैंक प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाएंगे तो पूरी जनता को, किसान को, हर किसी को परेशानी होगी। इतिहास गवाह है इस बात का। इसीलिए हम अपनी आज तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं, हम कोई अपनी सर्विस कंडीशन बनाने के लिए नहीं, हम केवल जनता के धन को देश के अंदर सुरक्षित रखने के लिए, बैंकों के अंदर सुरक्षित रखने के लिए आज हम संघर्ष पर हैं। ये दो दिन की हड़ताल है साथी। थैंक यू। मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ बरेली मॉड्यूल का, स्टेट बैंक इंडिया का। एक ही इशू है आज की हड़ताल का कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो ये संसद में बिल ला रहे हैं उसको वापस लें, निरस्त करें उसको। एक ही इशू है और इसी इशू को लेकर के पूरे देश में स्ट्राइक है आज। कर्मचारी अधिकारी ऑल बैंक्स के सारे 10.5 लाख करीब लोग जो है स्ट्राइक पर हैं और अभी भी सरकार अगर बिल वापस नहीं लेगी देश में। इसी तरह हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज भी है, कल भी है। आज यहाँ इंडियन बैंक पर है, कल को हमारे मुरादाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर होगा। यहाँ से हम कल सुबह को रैली भी निकालेंगे जो गंजगोरट्टी और कोर्ट रोड होते हुए स्टेट बैंक पे समाप्त होगी, वहाँ धरने में और प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाएगी। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारा आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। अगर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आम जनता के लिए ही तो हमें हड़ताल करना है। बैंकों में धन किसका है? आम जनता का है भाई। जिनको ये बैंकों में बेचने जा रहे हैं उनका धन नहीं है, उन्होंने तो लोन ले रखा है। अभी किसी ने आरटीआई में पूछा था अडानी अम्बानी पर कितना कर्ज है बैंकों का, उन्होंने कह दिया हम ये नहीं बता सकते। पता नहीं इसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो रही थी, कौन सी देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा था इसमें, उन्हीं को बेचने जा रहे हैं ये। समझे साहब, तो ये आम जनता के धन है, उसे सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। आपने अभी पिछले दिनों यस बैंक का हाल देखा, पीएमसी बैंक का हाल देखा, लोग मर गए बेचारे, इलाज के लिए पैसे नहीं मिले। अभी भी उन्होंने कहा साहब 5 लाख तक का इंश्योरेंस होगा। अरे भाई, किसी के 50 लाख रुपये जमा, उन्हें 5 लाख दोगे? ये कल को बैंक को दिवालिया कर लेंगे और अब पैसा खा जाएंगे जनता का, क्योंकि 5 लाख देना 1 करोड़ में से उन्हें, तो 50 लाख में से। इसी के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं जनता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।